क्या नाम है? संजय वाजपेयी जी। जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, पूर्ण तरीके से केंद्र की सरकार विफल है, किसानों की अनदेखी कर रही है, किसानों को मजबूरन आत्महत्या की ओर भेज रही है। पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार विफल है। क्या मूवमेंट रहेगा आपका, कार्यक्रम जो चल रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, आगे का क्या मूवमेंट है? 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनाएगी। 2022 की आगामी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती होंगी। बहुजन समाज पार्टी के की सरकार में विकास की गंगा वही है। आज यदि लखनऊ आप कहीं भी देखें तो बहन जी की पार्क बने हैं, सड़कें बनी हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। जो आज लखनऊ राजधानी जैसी लग रही है वो केवल बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत ही है। आज तक बहन कुमारी मायावती जैसा कोई उत्तर प्रदेश में ना मुख्यमंत्री हुआ है ना होगा। बुंदेलखंड में झांसी एक कस्बा है, तो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने विकास किया तो बहन जी ने किया। जैसे हमारे यहाँ पैरा मेडिकल कॉलेज बना, उरई का मेडिकल कॉलेज बहन जी के समय में पास हुआ। जितनी ये विकास के काम हैं सबसे ज़्यादा बहन कुमारी मायावती जी ने की, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, सावित्री बाई फुले योजना हो, और कांसीराम कॉलोनी हो। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, हमारी बहन जी ने तो इसके 10-15 साल पहले ही कांसीराम कॉलोनी के नाम से निःशुल्क गरीबों, असहायों, वंचितों को आवास देने का काम किया। देश में यदि कोई विकास की धारा बहा सकता है तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी ही। भाई साहब देखा जाए जिला पंचायत प्रधानी के चुनाव आ गया जी, इसमें क्या टिकट की दावेदारी कर रही है बहन जी, सब लोगों को देंगी? बहन जी जिला पंचायत में के वर्गों को ही टिकट दिया जाएगा, ऐसी बहन जी के दिशा निर्देश है। और 24 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी जनपद झांसी की 20 सीटें जिला पंचायत की जीत के आएगी। बहुजन समाज पार्टी का ही जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा।